subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का जो दूसरा तरीका है वो है इंटरक्रॉपिंग। तो व्हाट इज द इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो इंटरक्रॉपिंग इज ऑल्सो ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन ए सेम फील्ड इन डिफिनिट रो पैटर्न्स। अब यहाँ ध्यान देना है कि मिक्स क्रॉपिंग में भी मोर देन टू क्रॉप्स को उगाया जा रहा था, यहाँ भी टू और मोर देन टू क्रॉप्स को उगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रो पैटर्न्स में है, एक डिफिनिट रो पैटर्न्स में दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, डिफिनिट रो पैटर्न्स दोनों में सेम काम होता है लेकिन पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है। इंटरक्रॉपिंग पैटर्न का ही एक बहुत ही बढ़िया एक मेथड है, तरीका है। सपोज करिए कि कोई खेत है उसमें एक क्यारी में हमने पोटैटो का प्लांट लगा दिया और दूसरे क्यारे में किसी दूसरे प्लांट को लगा दिया, तो एक ही खेत में हमको दो फसल मिल रहा है, पोटैटो का भी मिल रहा है, मान लीजिए दूसरा स्पाइनेच है या फिर ओनियन है या किसी और दूसरे प्लांट को हम लोग लगा दिए, तो एक ही खेत में सेम टाइम में हम लोग एक से अधिक फसल क्यारी के रूप में, एक रो इसका होगा, एक रो उसका होगा, फिर अगला रो पोटैटो को होगा, फिर अगला रो दूसरे क्रॉप का होगा, इस तरह से हम लोग करके क्रॉप पैटर्न कर सकते हैं। ये 1:1, 1:2 या 1:3 प्रकार के हो सकते हैं, एक के अनुपात में, एक या दो के अनुपात में, एक या तीन के अनुपात में। जैसे मान लिया जाए कि दो क्यारी फर्स्ट प्लांट का और सेकेंड क्यारी, थर्ड क्यारी जो होगा दूसरे प्लांट का, उसी तरह से 1:3 के रेशियो में भी हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग इज अ इम्पॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स टेक्निक विच इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड एंड हेल्प टू प्रोवाइड द मोर क्रॉप फूड फॉर द पॉपुलेशन। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।